प्यारे साथियों, गुड मॉर्निंग और स्वागत करता हूँ मैं आप सभी का काफी सभी के इस YouTube चैनल में जिसका नाम है कलाम को सलाम। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th के लिए लेसन नंबर 5 जिसका नाम है टॉर्च बियरर्स। ये हमारे कुछ विद्यार्थियों की डिमांड थी कि उनको टॉर्च बियरर्स कराया जाए, तो ये हाजिर है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए। तो टॉर्च बियरर्स के आज हम देखो स्टूडेंट्स, इस लेसन का हम लॉन्ग आंसर नहीं करेंगे। अब लॉन्ग आंसर क्यों नहीं करेंगे उसका मैं आपको रीजन बता देता हूँ। देखो, जो आपका इंग्लिश का पेपर होने वाला है उसमें जो प्रोज वाला सेक्शन है उसमें मेरे ख्याल से 6 लेसन है और 6 में से मैंने आपको द एन्चेंटेड पोल, अ लेटर टू गॉड, द गंगा, सोक्रेट्स, अवर इंडियन म्यूजिक, मैंने आपको 5 लॉन्ग क्वेश्चन प्रोवाइड कर दिए। तो यदि आप 5 के 5 कवर कर लोगे, अच्छी तरह कर लोगे, तो आपको कोई टेंशन वाली बात नहीं है, कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमेशा आपके पास चॉइस में रहने वाला है। तो चॉइस में रहने वाला है तो आपको अगर 5 के 5 याद है तो आप इजीली 1 आपको कर ही दोगे, राइट। क्योंकि गाइस ऐसा नहीं है, देखो मैं कराने को करा सकता हूँ लेकिन अभी हमारे पास समय बहुत कम है, इसलिए हमें उन चीजों को पहले कर लेना है जिसकी आने की संभावना कुछ ज्यादा ही है। तो अब लॉन्ग क्वेश्चन तो आपके 5 हो चुके हैं इसलिए हमें उन पर टाइम वेस्ट नहीं करना है, लेकिन बाद में मैं आने वाले समय पर इन लॉन्ग क्वेश्चन को पूरा करा दूंगा, एक एक चीज जो रह जाएगी उनको प्रॉपर तरीके से पूरा करा दिया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है जो बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कुछ नहीं हो रहा है, उनको ध्यान में रखकर ही ये चैनल की शुरुआत की गई है। तो इसलिए हम उन चीजों को पहले डिस्कस करेंगे, उन चीजों पर पहले अपना ध्यान केंद्रित करेंगे जो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ओके। तो आज के इस लेसन में हम लेसन नंबर 5 टॉर्च बियरर्स के बारे में, जो WM रिबर्न ने लिखा है, उसके शॉर्ट आंसर और मैचिंग वर्ड्स को डिस्कस करेंगे। इस तरीके से ये लेसन आपका पूरा हो जाएगा, ओके गाइज। वैसे ये जो लेसन है लेसन नंबर 5, इसका एक दूसरा पार्ट भी है बीच में, तो मैं आपको फिलहाल ये एडवाइस देना चाहूंगा, आप उसको स्किप कर सकते हो, आप उस लेसन को स्किप कर सकते हो, उसके लॉन्ग क्वेश्चन की आपको आवश्यकता नहीं है प्लीज, क्योंकि अभी मैंने जैसे कहा कि आप लेसन आपके आपके 5 लॉन्ग आंसर हो चुके हैं, तो आप उसको चाहे तो फिलहाल आप स्किप कर सकते हो, ओके। तो चलिए शुरुआत करते हैं लेसन नंबर 5। देखो मैं क्वेश्चन के साथ साथ हिंदी बताने की स्टोरी बताने की कोशिश करूंगा। चलिए पहले थोड़ी समरी ही बता दी जाए आप लोगों को। देखो टॉर्च बियर, पहले टॉर्च बियरर्स का मतलब क्या होता है, टॉर्च क्या होती है, रोशनी, मशाल, लाइट। बियरर्स का मतलब होता है वाहक यानी कि ले जाने वाला। देखो लेसन का मतलब ऐसे निकाल सकते हो, एक मशाल वाहक, मशाल ले जाने वाला, या एक दूसरा अर्थ भी निकलता है यहाँ पर, एक संदेश वाहक, यानी कि कहने का मतलब आपको कोई ना कोई संदेश दिया जा रहा है, ओके। तो आप मशाल वाहक कह सकते हो या संदेश वाहक कह सकते हो लेसन का अर्थ, ओके। लिखने वाले कौन है इसको, WM रिबन, RYBURN रिबन, WM रिबन। तो कहानी कुछ ऐसी है गाइस, एक व्यापारी होता है, व्यापारी बहुत बूढ़ा हो गया है, उसने अपनी जिंदगी में अपने जीवन काल में बड़ा ही परिश्रम किया, अभी परिश्रम, वो व्यापारी है ये तो नहीं बताएगा किस चीज का व्यापार किया करता, लेकिन खरीदने बेचने का वो व्यापार किया करता था, जैसे आप कह सकते हो आज के वक्त में आयात निर्यात, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का वो बिजनेस किया करता होगा। तो ऐसे मेहनत करके परिश्रम से उसने बहुत सारा धन कमा लिया था, अब क्या होता है, धन कमा लिया तो उसके 2 बेटे थे, ही हैड 2 सन्स, द ओल्ड मर्चेंट हैड 2 सन्स, बूढ़ा व्यापारी था उसके 2 बेटे थे। तो जब वो अपनी वृद्ध अवस्था में था, बूढ़ा था, तो व्यापारी ने सोचा कि मैं अपनी जो मेरी जो जायदाद है, जो मेरी संपत्ति है, मेरा जो रुपया धन दौलत है, उसको मैं बराबर बराबर डिवाइड, बराबर बराबर विभाजित नहीं करूंगा अपने बच्चों में, मैं ये देखना चाहता हूँ कि दोनों में से कौन बुद्धिमान है, कौन होशियार है, कौन अच्छा है, कौन इस धन के लायक है। तो इसके लिए वो क्या करते हैं, वो एक दिन अपने दोनों बेटों को बुला लेते हैं। अब बुलाने पर क्या होता है, वो उनको बोलते हैं, उनको दोनों को 1-1 रुपया दे देते हैं, कितने रुपया दे देते हैं, 1 पहले बेटे को, दूसरा 1 ही दूसरे बेटे को दे दिया जाता है, और उनको बोला जाता है कि आप एक काम करो कि इन एक ये 1-1 रुपया ले जाइए और कुछ ऐसा खरीद कर लाओ जो इस घर को पूरा पूरा भर दे, ओके। मैं फिर से बता देता हूँ कि व्यापारी ने अपने दोनों बेटों को बुलाया, उनके दोनों के हाथ में 1-1 रुपया दे दिया और उनको बोला गया कि आप जाइए और कुछ इन 1 रुपये में, इस 1 रुपये में कुछ ऐसा खरीद कर लाइए जो इस घर को पूरी तरह से भर दे। अब जो पहला बेटा होता है
वो ये सोचता है, उसके मन में कहीं ना कहीं ये आ जाता है कि 1 रुपये में ऐसा क्या आ सकता है, तो कहीं ना कहीं वो बुरे ख्याल उसके मन में आते हैं अपने पिता के प्रति कि शायद मेरे फादर है जो उनमें पागल हो गए हैं, उनका दिमाग खराब हो गया है, तो वो इस तरह की सोच रखता है। वो उसका विरोध भी करता है, लेकिन जब जो उनके फादर होते हैं, जो उनके पिताजी होते हैं, जब वो थोड़ा सख्त होकर बोलते हैं तो वो मान जाते हैं और 1-1 रुपये लेकर चले जाते हैं। राइट गाइस, अब देखिए आगे क्या होता है। दोनों एक एक दिशा को पकड़ लेते हैं कि एक इस दिशा में चला गया, दूसरा दूसरी दिशा में चला गया। पहला क्या करता है, सीधा चला गया और घूमता रहता है बाजार में, मार्केट में ऐसे ढूंढता रहता है कि ऐसा क्या आएगा, 1 रुपये में क्या आएगा। तो वो क्या करता है, उसको एक मिलता है घुस वाला, घुस आप समझते हो, ठीक है, घुस, एक घुस वाला मिलता है उसको। वो उससे पता करता है रेट के बारे में, उसको लगता है घुस बहुत ज्यादा है कि हाँ ये मेरे घर को पूरी तरह से भर देगा, तो उससे अच्छा मोल भाव कर लेता है और उसको खरीद लेता है। देखो बात उन दिनों की है जब 1 रुपये में बहुत सारा घुस आ जाया करता था, तो वो घुस को ले लेता है, खरीद लेता है और घर पर ले जाता है और उसको कमरे में, रूम में डलवा देता है। लेकिन वो पूरी तरह से घर को नहीं भर पाता, उसका फर्श भी थोड़ा सा रह ही जाता है। ओके, ये तो रहा पहले बेटे के लिए। अब जो दूसरा बेटा होता है वो सीधा मार्केट में ना जाकर कुछ देर रुक जाता है, सोचता है कि क्या करना चाहिए, कि मेरे फादर ने अगर 1 रुपया दिया है तो कुछ तो बात होगी, कुछ तो ऐसा होगा जो घर को पूरी तरीके से भर दे। अभी क्या होता है, वो सोचता है तो बहुत विचार करता है, तो फिर वो जब शाम के वक्त हो जाती है तो वो मार्केट में जाता है, बाजार में जाता है, तो फिर वो वहां से खरीद कर लेकर आता है कैंडल, मोमबत्ती खरीद कर लाता है। 1 रुपये में जितनी भी मोमबत्ती आती होगी उस समय, वो मोमबत्ती खरीद कर ले आता है। अब वो घर जाता है, घर अपने भाई को देखता है, वो बड़े भाई को देखता है, देखता है वो बड़ा उदास है, निराश है, क्योंकि अब वो घर को पूरी तरीके से भर नहीं पाया। अब क्या होता है, जो दूसरा बेटा होता है वो थोड़ा सा और शाम के वक्त का जैसे जैसे अंधेरा छा जाएगा उसकी प्रतीक्षा करता है, और जब अंधेरा छा जाता है तो वो कमरे के चारों कोनों में मोमबत्ती लगाकर उन्हें जला देता है, मोमबत्ती लगाकर उनको जला देता है। और जब जो मोमबत्ती जब जल जाती है तो आपको पता है रोशनी से पूरा जो घर का प्रकाश से भर जाता है। अब यह देखकर जो उसके फादर होते हैं वो बहुत खुश होते हैं, और उनके मन में कहीं ना कहीं आ जाता है कि मैं अपनी पूरी संपत्ति, जो सारी धन दौलत मैंने पूरी जिंदगी जीवन पर्यंत कमाई है, वो मैं अपने दूसरे बेटे को दे दूंगा। ओके गाइस, तो ये एक कहानी है जिसका नाम है टॉर्च बियरर्स, जिसको लिखा है WM रिबर्न ने। एक बार फिर से शॉर्ट में बताता हूँ, दो बेटे होते हैं, एक थोड़ा लालची प्रवृत्ति का होता है, दूसरा ईमानदार होता है, होशियार होता है और अपने दिमाग का यूज करने वाला होता है। पहला क्या करता है, 1 रुपये में भूसा खरीद लेता है और घर में डाल देता है जिससे घर नहीं भर पाता। दूसरा क्या करता है, दूसरा मोमबत्ती खरीदता है, शाम के वक्त उसको जला देता है और रोशनी से पूरा घर भर जाता है। तो इस तरह ये देखते हुए जो उनके फादर होते हैं, जो पिताजी होते हैं, वो ये डिसीजन लेते हैं, निर्णय करते हैं कि मैं अपनी सारी संपत्ति दूसरे बेटे को दूंगा, क्योंकि उसने अपने आप को प्रूफ कर किया है, अपने आप को सिद्ध किया। एक बात और बताना चाहूंगा, इसमें दो शब्द आते हैं, एक तो भूसा, यहाँ पर एक सवाल भी बनता है भूसा के लिए बना है, और दूसरा वो बनता है कैंडल यानी कि लाइट। तो यहाँ पर भूसे का मतलब यहाँ पर एक बेकार चीज से लगाया गया है, और जो लाइट है, प्रकाश है, उसका एक उपयोगी चीज से तुलना की गई है। एक सवाल बनता है, मैं अभी पढ़ाऊंगा आपको शॉर्ट आंसर में। ओके, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अभी ये स्टोरी समझ में आ गई होगी। अगर नहीं समझ में आए तो आप वीडियो को पॉज करके पीछे करके सुन लीजिएगा, आपको और अच्छी तरीके से स्टोरी समझ में आ जाएगी। चलिए जल्दी से इनके शॉर्ट आंसर पर आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन पर। देखिए पहला, मैंने भी गाइस बिल्कुल देखो कहीं और से नहीं, मैंने बुक को पढ़कर वहां से आपके आंसर को लिखने की कोशिश की है। पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ द मर्चेंट टॉयल। देखो एक एक चीज कर देखते हैं, व्हाट क्या वोज था, रिजल्ट परिणाम ऑफ द मर्चेंट टॉयल, मर्चेंट व्यापारी, टॉयल होता है परिश्रम, TOIL, टॉयल का मतलब परिश्रम, मेहनत, व्यापारी के मेहनत का क्या, मेहनत के का क्या परिणाम था। एज गिवन दिया गया है इन द लेसन पार्ट में, द टॉर्च बियर्स, जो टॉर्च बियर्स नाम का जो पार्ट है उसमें व्यापारी जो जो इतना सारा परिश्रम किया था उसका क्या परिणाम हुआ। देखो क्या परिणाम हुआ, द रिजल्ट ऑफ द मर्चेंट्स टॉयल, व्यापारी के परिश्रम का परिणाम था। एज गिवन इन द लेसन जो पार्ट में दिया गया, दैट ही हैड मेड अ लॉट ऑफ मनी, उसने बहुत सारा धन कमा लिया था, यानी कि व्यापारी ने इतना परिश्रम किया था इस पार्ट में, इस पार्ट के जरिए जो मैं बताया जा रहा है कि उसने बहुत सारी मेहनत की है, परिश्रम किया, और इसका परिणाम क्या हुआ था, उसने बहुत सारा धन कमा लिया था। यहाँ पर शब्द आया अ लॉट ऑफ,
और लॉर्ड ऑफ का मतलब है बहुत ज्यादा, मनी आपको पता है धन को बोलते हैं, ओके। उसके बाद देखिए सेकंड क्वेश्चन, हाउ डिड द मर्चेंट सॉल्व द प्रॉब्लम, हाउ मींस कैसे, द मर्चेंट व्यापारी ने सॉल्व का मतलब हल किया, द प्रॉब्लम समस्या को, अब क्या हुआ व्यापारी ने समस्या को हल कैसे किया, अब समस्या क्या थी कि दोनों में से किसको ऐसा क्या काम किया जाए, कैसे पता लगे कि कौन होशियार है, यही तो समस्या थी, और समस्या का समाधान कैसे किया, दोनों को एक एक रुपया दे दिया और कहा कि आप क्या करो जाइए कुछ ऐसा खरीद कर लाइए जो घर को पूरी तरीके से भर दे, तो वही लिखा है द मर्चेंट गेव 2 रुपीज, व्यापारी ने 2 रुपए दिए, और पिसंस अपने बेटों को एंड टोल्ड देम, और उनको कहा टू गो आउट, बाहर जाइए सेपरेटली, SEPARATELY, सेपरेटली का मतलब है अलग अलग, अलग अलग जाइए एंड बाय और खरीदिए समथिंग कुछ, विच विल, ये लिखा हुआ है विच विल फिल द हाउस, जो घर को भर देगा, दस इस प्रकार ही सॉल्व द प्रॉब्लम, इस प्रकार उसने समस्या को हल किया, द मर्चेंट गेव 2 रुपीज ऑफ हिज सन्स एंड टोल्ड देम टू गो आउट सेपरेटली एंड बाय समथिंग विच विल फिल द हाउस, दस ही सॉल्व द प्रॉब्लम, व्यापारी ने अपने बेटों को 2 रुपये दिए, दोनों को कहा कि बाहर जाइए अलग अलग बाहर जाइए और कुछ ऐसा खरीदिए जो घर को पूरा भर दे, इस प्रकार उसने समस्या को हल किया। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, व्हाट हैपेंड का मतलब क्या हुआ, व्हेन द सेकंड सन लिट द कैंडल, देखो यहाँ पर बड़ा है लिट, LIT, ये लिट शब्द आपका लिट से ही लाइटर बना हुआ, लाइटर का मतलब जलाना, तो लिट का मतलब भी जलाना, क्या हुआ जब दूसरे बेटे ने मोमबत्ती को जलाया, क्या हुआ था, व्हेन द सेकंड सन लिट द कैंडल्स, जब दूसरे बेटे ने मोमबत्ती को जलाया, द होल हाउस, पूरा घर वाज फिल्ड विद लाइट, पूरा घर प्रकाश से भर गया था, ओके। और जैसे मैं भी आपको बता रहा था कि एक क्वेश्चन बनता है वो यही है, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट हैव हे एंड लाइट, हे भूसे को बोलते हैं, लाइट प्रकाश को बोलते हैं, बीन कंपेयर टू, यानी कि भूसे की और प्रकाश की तुलना किस चीज से कही है, तो इस लेसन के अनुसार भूसे को हमने यूजलेस बेकार चीज कहा है और लाइट को एक उपयोगी चीज कहा है, क्योंकि लाइट से उसने प्रकाश, उसने लाइट जला दी, कैंडल जला दी, तो पूरा जो घर था प्रकाशित हो गया था, लेकिन भूसे से तो वो भर नहीं पाया, इसलिए भूसे को बेकार बता दिया गया और प्रकाश को उपयोगी बता दिया गया, तो हे हैज बीन कंपेयर टू यूजलेस, भूसे की तुलना बेकार से की गई है, एंड लाइट हैज बीन कंपेयर टू यूजफुल, और प्रकाश की तुलना उपयोगी उपयोग से की गई है, ओके। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, Why should we try to become good citizen? Why should we try? हमें क्यों प्रयास करना चाहिए to become, होने का good citizen, citizen होता है नागरिक, हमें अच्छा नागरिक होने का, अच्छा नागरिक बनने का प्रयास क्यों करना चाहिए? आंसर देखिए, If we love our country, यदि हम अपने देश से प्यार करते हैं and want to serve it, सेवा करना और इसकी सेवा करना चाहते हैं, we should try to become good citizen, हमें अच्छा नागरिक बनने का प्रयास करना चाहिए, because क्योंकि नो कंट्री कैन प्रोग्रेस, कोई भी देश तरक्की नहीं कर सकता, प्रोग्रेस का मतलब उन्नति करना, तरक्की करना, कोई भी देश तरक्की नहीं कर सकता अंटिल का मतलब जब तक कि नहीं, इट हैज गुड सिटीजन, जब तक कि इसके अच्छे नागरिक ना हो, अंटिल का मतलब जब तक ना, तो यदि हम अपने देश से प्यार करते हैं, उसकी सेवा करना चाहते हैं, तो हमें अच्छे नागरिक बनने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि कोई भी देश बिना, जब कोई भी देश तरक्की नहीं कर सकता जब तक कि इसके पास अच्छे नागरिक ना हो। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाते हैं, विच ऑफ द 2 sons, दोनों बेटों में से, ऑफ द मर्चेंट, व्यापारी के, वॉज वाइजर, बुद्धिमान था, एंड हाउ, कैसे, आपको पता है दूसरा बेटा ही बुद्धिमान था, द सेकंड सन ऑफ द मर्चेंट वॉज वाइजर, व्यापारी का दूसरा बेटा बुद्धिमान था, बिकॉज ही यूज हिज माइंड, क्योंकि उसने अपने दिमाग का यूज किया, दिमाग का प्रयोग किया, एंड ही पास्ड द टेस्ट, और उसने परीक्षा को पास किया, परीक्षा आप समझते हो कौन सी परीक्षा थी, दस इस प्रकार ही प्रूव्ड हिमसेल्फ, इस प्रकार उसने अपने आप को प्रूव किया, अपने आप को सिद्ध किया। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, व्हाट डिड द ओल्ड मर्चेंट डू ऑल हिज लाइफ, व्हाट डिड द ओल्ड मर्चेंट, क्या किया बूढ़े व्यापारी ने ऑल हिज लाइफ, पूरे जीवन, यानी कि पूरी जिंदगी उसने क्या किया, देखो ऑल हिज लाइफ, पूरी जिंदगी, द ओल्ड मर्चेंट हैड टोल्ड हार्ड, कठिन परिश्रम किया, बाइंग एंड सेलिंग, खरीदने बेचने में, एंड द रिजल्ट, और उसका परिणाम वो था दैट ही हैड मेड अ लॉट ऑफ मनी, कि उसने बहुत सारा धन कमा लिया था, यानी कि पूरी जिंदगी उसने कठिन परिश्रम किया, खरीदने बेचने का काम किया, और उसका परिणाम था कि उसने बहुत सारा धन कमा लिया था, बना लिया, ओके। मैचिंग वर्ड्स भी देख लीजिए इसके,
देखो ये कुछ मैचिंग वर्ड्स है। प्रोटेस्ट का मतलब होता है किसी के विरोध बोलना, यानी कि आप किसी के विपक्ष में बोलते हो, प्रोटेस्ट कह सकते हो आप इसको। और आप इसको, इसका जो सेम वर्ड होगा स्पीक अगेंस्ट, क्या होता है स्पीक का मतलब बोलना, अगेंस्ट का मतलब विरोध में, यानी कि विरोध में बोलना। अगला शब्द है आर ई एल यू सी टी ए एन टी, इसको पढ़ते हैं रिलेक्टेंट, क्या पढ़ते हैं इसको रिलेक्टेंट, और रिलेक्टेंट का मतलब है अनिच्छुक, जिसकी इच्छा ना हो। तो नॉट विलिंग, विलिंग का मतलब भी इच्छा, विल का मतलब इच्छा होता है, तो नॉट विलिंग इच्छा ना होना। डिस्पेयर डी ई एस पी ए आई आर, डिस्पेयर का मतलब है निराशा, निराशा यानी कि ना उम्मीद कह सकते हो, होपलेसनेस, होपलेसनेस, तो डिस्पेयर का क्या हो गया होपलेसनेस। अगला देखिए टॉइल्ड, टॉइल्ड अभी हमने पढ़ा है कठिन परिश्रम, तो वर्क हार्ड हो गया। अलोट ऑफ, ज्यादा को बोलते हैं और मच को भी ज्यादा बोलते हैं। तो ये लेसन में हमने इसके शॉर्ट क्वेश्चन और मैचिंग वर्ड्स को किया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनको कर लीजिएगा, इस तरह ही आपका लेसन ये कंप्लीट हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ, तब तक के लिए बाय।